और क्या हो रहा है नेहा जी? कुछ नहीं, आपके भैया के कपड़े धो रही थी। कौन उनके भैया? उनके भैया उनके मायके में है, यहाँ आपका कोई भैया नहीं है, है ना भूरी जी? नहीं, मेरे एक भैया हैं। कौन है? यही सिटी में रहते हैं किराए से। अच्छा, वो भैया की बात कर रही थी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टी शर्ट पहने हो उतार के दो, इसे भी धुल दो। हाँ लो। अच्छा एक मिनट, लाता हूँ उतार के। क्या हुआ भूरी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, बस एक परेशानी आ गई है। क्या हुआ बताइए। लो उतार दी टी शर्ट, धुल दो। हो गया, पहन लो, कल धुलूंगी। अब तुम क्या सोचती हो, जब कहोगी उतार दो टी शर्ट तो उतार दूंगा, जब कहोगी पहन लो तो पहन लूंगा। मैं कभी नहीं पहनता, लेकिन पहन लूंगा, क्योंकि मैं एक आज्ञाकारी पति हूँ। हाँ तो आज्ञा का पालन हो जल्दी, नहीं तो बेले जाओगे। सेंके जाओगे तो सुना है, बेले जाओगे मतलब? बेलन से तो बेले ही जाओगे। मैंने कहा ना, मैं आज्ञाकारी पति हूँ, अभी आता हूँ पहन के। अब बताइए क्या परेशानी है? मेरे मायके में कुछ पैसों की जरूरत है, आपने उनको बोला तो बोले नहीं है। सुनो, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है, उठा दूं? मैं खुद उठा लूंगी, एहसान मत करो मुझ पे। देखा भाभी, प्यार से बात करना तो आता ही नहीं है। अपने घर की जमीन बेचकर उन्होंने दहेज दिया था, अब उन्हीं के घर में जरूरत है तो आपके पास पैसे नहीं है। आपको बता दिया क्या? बताएंगे ही, पड़ोसी सुख दुख के साथी होते हैं। सही कह रही है नेहा, पड़ोसी सुख दुख के साथी होते हैं, पर क्या पर? दुख यहाँ है, सुख कहाँ गया? और विक्रम जी, क्या हाल है आपके? बस मनोज जी, गठबंधन में किसी तरह सरकार चल रही है। और चलती ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पार्टी बदलने का ऑप्शन नहीं है। पता है मुझे, मेरी अध्यक्ष महोदया। मैं ये कपड़े दूसरी तरफ फैला के आती हूँ। और बताइए मनोज जी, आपके यहाँ सब कुशल मंगल है ना? ठीक ही है विक्रम जी। ठीक ही है तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कुछ ठीक ही नहीं है। अब क्या बताएं आपसे और कैसे बताएं? ठीक है फिर, मैं भूरी जी से पूछ लूंगा। नहीं, मैं ही बता देता हूँ। ऐसा है क्या? अब आप ही बताइए, 30,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊं? नहीं बता सकता। मतलब? आपने कहा ना, आप ही बताइए 30,000 रुपये कहाँ से लाऊं? नहीं बता सकता, पता ही नहीं। फिर से मेरी मम्मी का फोन आया था, क्या कहूँ मैं उनको? बता तो दिया, नहीं है मेरे पास। क्या हुआ भूरी जी? अरे कुछ नहीं विक्रम जी, ऐसे ही घरेलू बात है। मेरे पास खाते में कुछ 70-80 हज़ार है। अच्छा तो आपको तो बता सकते हैं, आप तो घर के आदमी हैं। वो तो है, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आपको पता ही नहीं कि 30,000 रुपये कहाँ से आएंगे। पता तो अभी भी नहीं है, मैंने कहा 70-80 हज़ार हैं। क्या 70-80 कर रहे हो? कुछ नहीं, 70-80 साल ही जीता अब आदमी। अच्छा ये बात कर रहे थे क्या? वैसे सही बात है नेहा भाभी, 70-80 हज़ार। क्या 70-80 कर रहे हैं मनोज जी? नहीं, मैं तो ये कह रहा था, भाभी के पास 70-80 हज़ार होते तो क्या करती? अरे कहाँ है मनोज जी, इनके पास 5,000 भी नहीं है खाते में। कब से बोल रही हूँ मुझे कान की बालियाँ दिलवा दो। अरे तो कान सुनने के लिए हैं, बाली पहनने के लिए थोड़ी। इसीलिए तो इतना बोलती हूँ, फिर क्यों कहते हो दिन भर सुनाती हो? ठीक है मैं सुन लूंगा, कितना भी सुनाओ। वैसे भाभी जी, मान लीजिए विक्रम भाई के पास 70,000 रुपये हो तो? अभी हो तो थोड़ी देर बाद नहीं होंगे, क्योंकि मैं ले लूंगी। मनोज जी, कैसी आसमानी बातें कर रहे हैं आप। इसीलिए उन्होंने कहा कि 70,000 रुपये हो तो। नेहा, तुमने मुझे बताया नहीं था कि भूरी जी को कुछ पैसों की जरूरत है। तो तुमको बताने से क्या फायदा, बंद हुआ बैंक लोन थोड़ी देता है। हाँ पर भाभी जी, क्या पता विक्रम भाई 30,000 रुपये कहाँ से लाए, उसका पता बता दें।
ये कैसे बताएंगे? अरे नेहा, मैं देखता हूँ ना, जुगाड़ करता हूँ कुछ। ठीक है मनोज जी, फिर भगवान करे आप 70-80 क्या 90-100 के पार चले जाएं। एक मिनट, देखूं तो धैर्य उठ गया क्या? मनोज जी, ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल किया आपने। हो गया विक्रम जी, रहने दीजिए, हम कर लेंगे कहीं से। अब बात निकल ही गई है तो ठीक है, मैं देख लूंगा, लेकिन फिर जब हमें जरूरत पड़े तो देख लीजिएगा थोड़ी। बिल्कुल, जब भी आपको जरूरत हो इंतजाम हो जाएगा। देखिए तो आपको फोन पे कर दिया है। हाँ हाँ, आ गए हैं। थैंक यू विक्रम जी। सुनो ना, मेरे मामा का फोन आया था, उन्हें अर्जेंट 40,000 की जरूरत है। 40,000? सीधा बोलो ना, खाता खाली करवाना चाहते हो मेरा? उतनी जरूरत दे रहे हो जितना मेरे खाते में पैसा है। क्या हुआ, कर दोगे ना इंतजाम? हाँ, बस मुझे 16 पिक्चर का एक डायलॉग याद आ गया। कौन सा? आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पास।